हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोती वर्क। राधे राधे आप सभी को। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो आज का ये पहला मेरा वीडियो है जो 2021 का होने वाला है, नए साल का होने वाला है। तो आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, और इस वीडियो को भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं अपनी दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आज की इस वीडियो में मैंने क्या लाया है। बट मैं आपसे पहले बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे नए साल में आने वाली जितनी वीडियो है आप सबसे पहले देख सकें। और इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। वैसे ही वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे चैनल पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बैग के लिए। सो मैं मोती से बना हुआ बैग बताइए। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक हैंड बैग शेयर करने वाली हूँ, और ये बहुत स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि बनाने में बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं किसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसे बनाने के लिए हमें कैसी मोती चाहिए। तो दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप किसी भी मोती का बना सकते हैं, ठीक है। बट एक जो मैंने इसमें दो तरह की मोती यूज़ की है, बट एक जो मोती है वो थोड़ी अलग है, तो वो उसको आपको वैसा ही लेना होगा। बट अगर आपको ना मिले तो आप अलग मोती से भी बना सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये रही हमारी मोती, इसे मुक्तो पोती कहते हैं। यहाँ पे आपके यहाँ क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, बट अगर आपको ना समझ में आए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अपने जहाँ से भी मोती लेते हैं वहाँ आप दिखाइएगा तो वो आपको दे देगा। और ये 6 नंबर की मोती है, मैंने इसमें 35 नंबर के धागे का यूज़ किया है। तो हमें तो पहले चाहिए ये मोती, और ये मोती हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, 50 ग्राम ठीक है। और दूसरी है ये मोती, ये थोड़ी लंबी साइज़ में आती है, आप देख सकते हैं एक तरफ से मोटी होती है, एक तरफ से पतली होती है। इसे यहाँ पे लावा पोती कहा जाता है, लावा मोती कहा जाता है, पोती बांग्ला में कहा जाता है, सॉरी। सो इसे लावा मोती कहा जाता है। तो अगर आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो दोनों मोती हैं, दोनों मोती का हम यूज़ करके बनाएँगे बैग। अगर आपको ये कलर की जगह कोई और कलर लेना है ले सकते हैं, इसकी जगह हो सकता है गोल्डन बहुत कम मिलता है शायद, मुझे जहाँ तक लगता है। बट अगर आपको मिल जाए तो अच्छा ही है, नहीं मिले तो आप इसकी जगह कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और इन दोनों का यूज़ करके हम बैग बनाने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं किसे कैसे बनाना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया दिया, थ्रेड चाहिए हमें और सीसर चाहिए बस कट करने के लिए। और दोस्तों, इसे बनाने के लिए हमें इसके दो पार्ट बनाने होंगे। तो ये आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, ये हमारा एक पार्ट है और ऐसा ही हमें बनाना है। और ये बनाने में बहुत ही सिंपल है, तो चलिए देखते हैं आप कैसे बनाना है। तो ये तो आपने देखा, सेम इसे ऐसा बनाने के लिए हमें बनाना होगा इस तरीके का लंबी लंबी लाइन का शेप, ठीक है, जिसमें हमने वाइट और गोल्डन का यूज़ करके बनाया हुआ है। तो ये मैंने बना लिया है, करीब 3 बना लिया है, और मैं आपको अब बना के बताऊँगी कि इसे कैसे बनाना है, उसके बाद इसे कैसे ज्वाइन करना है ये बताते हैं। तो दोस्तों, उस लाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके का 6-6 मोतियों का इस तरीके से घर बना बना के कट कर लेना है, ठीक है। और ऐसा हमें बनाना है करीब, ऐसे करीब आप 25 शेप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें एक 2 6 मोती का घर लाइन बनानी होगी, 1 7 का और 1 5 का, ठीक है। तो ये मैंने 4 5 बना के रखे हैं, और अब देखते हैं आगे क्या करना है। तो अब हम बनाने वाले हैं इस लाइन को, जैसे कि आप देख रहे हैं 6 मोती है का घर है ये, और ये हमारा बनाने वाले हैं। तो ये हम जब एक से बना लेंगे तो उसमें हम गांठ लगा लेंगे, और ये हमारा गांठ लग चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गोल्डन, तो ये हमारा यहाँ पे धागा है। अब हम ऐड करेंगे पहले एक गोल्डन मोती, जिसका जो है इस तरीके से हम ऐड करेंगे। ये जो है पतला वाला शेप इस तरफ रहेगा, मोटा वाला शेप इस तरफ रहेगा, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मोटा वाला शेप पहले नीचे जाना चाहिए इस तरीके का, जैसे आप देख रहे हैं। अब ये हो गया, अब हम लेंगे एक वाइट कलर की मोती, ठीक है, ताकि जो हम आगे शेप बनाएं, सॉरी, एक वाइट मोती नहीं चाहिए, हमने जो घर बनाया हुआ है हमें वो घर लेना है, यानी कि ये वाला। और इसमें का एक जो मोती है उसके अंदर से इसको ऐड कर लेना है। अब इसके अंदर से ऐड करने के बाद हम फिर से लेंगे गोल्डन मोती, और ये ऐड किया, और उसके बाद फिर मोटा वाला से पहले नीचे जाएगा, ये भी ऐड हो गया। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर नीचे, मतलब ऊपर से हमारा धागा है, और नीचे से फिर हम ऐड कर देंगे।
तो ये इस तरीके के शेप में आ गया। आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमें आगे करते जाना है। बट हम अब क्या करेंगे, तो हम अब आ जाएंगे इसके अंदर, और इसके अंदर से आने के बाद हम धागे को इस मोती में लेके आ जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा धागा यहाँ पे आ चुका है ना। तो अब हम यहाँ भी गोल्डन ऐड करेंगे। तो यहाँ हमारा नीचे है, तो इसमें भी पहले पतला वाला जाएगा ताकि इसका शेप आ सके, फिर मोटे मोटे शेप की तरफ से ऐड करेंगे, और फिर ऐड करेंगे ये जो घर हमने बनाया है उसका एक मोती, और फिर ऐड करेंगे इसको, हम देख लेंगे इस तरीके से। हाँ, तो फिर हम पतला वाला ऐड करेंगे, और फिर ऐड करेंगे मोटा वाला, और इसी तरीके से हम लंबी लाइन बनाते जाएंगे। अगर आप इस बैग से भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इस लाइन को और बड़ा कर लीजिए, अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये देखिए, तो हमारा तीन मोती का घर बन गया है ना। अब हमें बनाना है छः का, तो चलिए बना लेते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों दो छः मोती का घर बनाना है, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारा छः मोती का घर है, और ये हमारा पांच मोती का घर है, और ये हमारा सात मोती का घर है, और एक छः मोती का मैं बना रही हूँ। तो चलिए इसे कंप्लीट करके मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी लाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो ये एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छः मोती है मैंने छः मोती का घर है वाइट वाला। और ऐसे ही हमें एक और बनाना है, ऐसा ही एक सात मोती का बनाना है, और ऐसे एक पाँच मोती का बनाना है। ये जो घर है पाँच आने चाहिए, सात आने चाहिए, और छः डबल आने चाहिए। ठीक है, तो ये तो बन गया। अब इसके बाद जो है हमारा सात मोती वाला है ये, तो अब इसके नीचे हम इसे रखेंगे, और इसमें हम लेंगे फिर से एक गोल्डन। हमारा धागा जो है इस मोती में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये है, और फिर हम ले रहे हैं एक फिर से गोल्डन उसके पीछे से, और ये हमारा धागा है, और ये जो है इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो है इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, मतलब तीन मोती इस तरफ, तीन मोती इस तरफ, और ये जो मोती है इसके अंदर ऐड करना है। अब इसके बाद आ जाएंगे हम इसके अंदर, ये हमारा ज्वाइन करने का तरीका है। अब इसके अंदर आने के बाद हम ऐड करेंगे एक गोल्डन मोती, जो कि मोटा वाला शेप नीचे होगा, और फिर हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, और फिर से हम इनमें घुमा लेंगे धागे को। तो देखिए मैंने धागे को इसके अंदर से घुमा लिया है, यहाँ पे अब हमारा धागा है। अब आ जाएंगे हम इस वाइट वाली मोती में, और फिर आ जाएंगे इस गोल्डन वाली मोती में, और यहाँ भी हम ऐड करेंगे एक गोल्डन मोती। बट यहाँ पे जो है पतला वाला शेप नीचे जाएगा और मोटा वाला शेप ऊपर, इस तरीके से। यहाँ पे हमने मोटा वाला नीचे किया था, पतला वाला ऊपर, और यहाँ पे हमें उल्टा करना है, और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इनके अंदर फिर से हम धागे को घुमा के लाएंगे, और फिर इसके अंदर आ जाएंगे, और यहाँ आने के बाद सेम जैसे हमने यहाँ पे किया, मोटा शेप नीचे करते हुए इसके अंदर ऐड करेंगे, फिर हम इसमें आएंगे और इसी तरीके से इसे ज्वाइन कर लेंगे। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए पहले घुमा लेते हैं, तो फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा धागा आ चुका है, और मैंने ले लिया है फिर से एक गोल्डन मोती, जिसका जो शेप है वो पतला वाला ऊपर की तरफ है, और ये मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखिए ऐड हो गया, और फिर से जो है मैं इन सब के अंदर से घुमा लूँगी और आगे की तरफ आ जाऊँगी। इसी तरीके से दोस्तों करना है। अगर आपको ना समझ में आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझा दूँगी फिर से। तो चलिए इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे हमने कैसे ज्वाइन किया, उसी तरीके से सेम ही हमने पूरा ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, अब ज्वाइन करने के बाद अगर आपका धागा है तो ठीक है, नहीं है तो आप गांठ लगा लीजिए। और इसके बाद हम आ रहे हैं इस मोती में।
किनारे वाली मोती में। और यहाँ भी दोस्तों हम सेम इसी तरीके से ऐड करेंगे जैसे कि हमने ऊपर ऐड किया हुआ था, यहाँ किनारे पे जैसे हमने ऐड किया, यहाँ किनारे पे जैसे हमने ऐड किया। ये आप देख सकते हो एक मोती ऊपर वाले वाइट वाले मोती ऊपर का एक घर में एक नीचे भी है। यहाँ तो हमने यहाँ भी एक मोती हमारा है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गोल्डन मोती। तो इसके बाद हम जो हम छः मोती का एक और हमारा घर है इसे ऐड करेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे फिर से जो पाँच मोती का है इसे, ठीक है। और ज्वाइन करने का जो तरीका है वो हमारा सेम यही है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, सेम यही तरीका हमारा यहाँ भी रहेगा। अब यहाँ फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो एक मोती हमने यहाँ भी हमारा यहाँ भी है और यहाँ भी है और हमने यहाँ भी लिया हुआ है एक मोती, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी हमारा एक मोती है और दो गोल्डन मोती ऐड करने के बाद ये जो छः मोती का घर है इसे हम लेंगे। और इसे लेने के बाद इसका ये तीन, एक तरफ तीन और एक तरफ तीन, तो इस तरफ का जो तीन रहेगा मोती, तीसरा मोती, उसके अंदर हम इसे ऐड कर देंगे। तो अब इसके अंदर ऐड करने के बाद हम लेंगे एक गोल्डन कलर की मोती, ठीक है। तो हम लेंगे और जिसका जो सेप है वो मोटा वाला सेप ऊपर की तरफ जाएगा, कैसे होगा ऐसे, हाँ ये, तो ये हमारा इसमें आया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए जब ऐप ऐड कीजिएगा ना तो ये जो घर है ये खुद ब खुद इसके सीधे नीचे की तरफ आ जाएगा। अब इसके अंदर से हम धागे को घुमा लेंगे और इसे आसानी से सिंपल तरीके से यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। तो हम या तो दोस्तों यहाँ पे आ सकते हैं या फिर यहाँ पे आ सकते हैं, तो मैं नीचे ही आ रही हूँ। तो हमें कहीं से भी ज्वाइन करना है आपको जहाँ से आसानी हो। तो यहाँ मान लीजिए हमारा धागा आ गया, अब मैं यहाँ से ऐड करूँगी फिर से गोल्डन मोती जैसे कि हमने ऊपर किया है सेम उसी तरीके से। तो ये देखिए फिर एक गोल्डन ऐड हो गई, फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर से हम धागे को इसमें घुमा लाएंगे। और फिर या तो आप यहाँ आइए या फिर आप यहाँ से यहाँ आ जाइए या फिर यहाँ से यहाँ आके यहाँ आइए, उसके बाद ऐड कीजिए। और इसी तरीके से इसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे और इसी तरीके से फिर हम इसे भी ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए इसे कम्प्लीटली ज्वाइन करके हम आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये हमारा जो बन के दोनों पार्ट है वो तैयार है। अब इसे हम करेंगे ज्वाइन, ये आप देख सकते हैं दोनों हमारा बन के सेम तैयार है, हमने कुछ अलग से नहीं किया है। जैसा मैंने आपको बताया है सेम उसी तरीके से इन सबको ज्वाइन करना है। हमने ज्वाइन करना यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे ख़त्म, और फिर मैंने आपको यहाँ से इधर करते हुए बताया। बट अगर आपको इस साइड से करने में कन्फ्यूज़न हो तो आप यहाँ पे धागे को कट करके यहाँ से जब दूसरा वाला ज्वाइन करें तो यहाँ से गांठ लगा के फिर दूसरा वाला ज्वाइन करें, जैसे कि हमने इसे ज्वाइन किया वैसे ही यहाँ ज्वाइन करें, कट करके यहीं से स्टार्ट करें फिर यहाँ ज्वाइन करें, उसी तरीके से ये आपका हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है आई थिंक आप समझ गए होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे ज्वाइन करना स्टार्ट किया और यहाँ पे ख़त्म। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप क्या कीजिएगा कि सेम जैसे हमने यहाँ पे ज्वाइन करके यहाँ पे ख़त्म किया है उसके बाद ये दोनों तो हमारा ज्वाइन हो गया, उसी तरीके से यहाँ से फिर दूसरा वाला तीसरा वाला ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पर ज्वाइन करके यहाँ पर ख़त्म, फिर यहाँ ज्वाइन करके यहाँ पर ख़त्म, अगर आपको इधर से करने में परेशानी हो रही हो तो, ठीक है। तो चलिए अब इसे ज्वाइन कैसे करना है ये हम जानते हैं। तो आपने देखा कि इस पार्ट को हमने कितनी आसानी से और कितनी अच्छे तरीके से और कितनी खूबसूरत ये लग रही है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी कि इसे कैसे ज्वाइन करना है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो पर लाइक और कमेंट आना ही आना चाहिए क्योंकि आपने काफ़ी कमेंट किया था मुझे इसके लिए। सो उम्मीद रखती हूँ कि आप ज़रूर करेंगे। और इसका जो अगला नेक्स्ट पार्ट होगा उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके ठीक है, बाय बाय।